भिंड जिले में एक मुस्लिम परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया गया। मुस्लिम समाज के एक परिवार द्वारा कराई जा रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान यहां पर सांप्रदायिक सौहार्द देखने को मिला। इस दौरान हिंदू धर्म के लोगों ने एक भव्य कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को गले लगाकर ईद मनाते दिखे और श्रीमद् भागवत कथा आयोजन की खुशी भी बांटते दिखाई दिए। जागा सरकार हनुमान मंदिर में मुस्लिम व्यक्ति द्वारा ये श्रीमद् भागवत कथा आयोजित कराई जा रही है। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने एक कलश यात्रा निकाली और ईद मना रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनको पेयजल पिलाया। कलश यात्रा के दौरान हिंदू और मुस्लिम के बीच में अद्भुत भाईचारे का दृश्य देखने को मिला। हमें आज इतना अच्छा माहौल है कि एक मुसलमान जिसका नाम आजाद है, आजाद खान, वो भागवत कराने जा रहा है। भागवत मो में जागा सरकार करके एक हनुमान जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जागा सरकार। जागा सरकार पे उसने भागवत बोला था। उस भागवत का आयोजन यानी प्रारंभ आज से करना था, तो ईद के दिन उसने आज कलश यात्रा निकाली है। भागवत से पहले जो कलश यात्रा निकलती है, वो कलश यात्रा उसने आज ईद के दिन निकाली है। और इस कलश यात्रा में 50-50% हिंदू और मुसलमान है। मेरे पास वीडियो है उसका, लोग बराबर संख्या में शामिल हैं और कलश यात्रा में शायद इतनी भीड़ नहीं हुई होगी कभी, वो भीड़ आज हमारे कस्बा में देखी गई। सब लोग बड़े प्रेम से भजन कीर्तन गाते हुए, जय श्री राम बोलते हुए कलश यात्रा निकाले हैं और जागा सरकार पर जाके कलश यात्रा खत्म होगी और आज से भागवत चालू हो जाएगी। आजाद का कहना है भगवान एक है, रूप अलग अलग है। आपके यहाँ बजरंगबली है तो हमारे यहाँ बली बाबा हैं, अंतर कुछ नहीं है, बोलने का अंतर है। मैं बजरंगबली पे ही भागवत करूँगा।